देश भर में यूपीएससी में दिव्यांग कोटा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये दिव्यांग कोटा है क्या। यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम में दिव्यांग कोटा होता है और किससे छूट मिल सकता है, ये इस वीडियो के जरिए आपको पूरा पता चलने वाला है। आईएएस पूजा खेड़कर के मामले के बाद से यूपीएससी पर एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है और वो बहस है कोटा की, और वो भी दिव्यांग कोटा की। क्या दिव्यांग कोटा का फायदा किसी और को पहुंच रहा है, सवाल ये अहम है। आरोप तो ये लग रहे हैं कि पूजा खेड़कर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटा उन्होंने हासिल किया और इसी को लेकर पूरा ये बवाल है। बात इस वक्त हम पूजा खेड़कर से शुरू हुई और जब पर्ते खुलने लगी तो इसमें एक आईएएस नहीं बल्कि ऐसे कई ऑफिसर्स आए जिन पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तो तमाम ऐसे नाम सामने आ गए जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और कई बड़ी पोस्टिंग पा चुके हैं, प्रमोशन उनका हो चुका है और इसके बावजूद किसी को कानों कान खबर नहीं। दरअसल दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ये कानून चूंकि देश के सभी प्रीमियम सरकारी शिक्षा संस्थानों और इसके अलावा नौकरियों पर लागू होता है, लेकिन इसका फायदा किसे पहुंच रहा है ये इस वक्त आपको जानना बहुत जरूरी है, लिहाजा इसके लिए दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने का अवसर भी हासिल होता है। लेकिन इस कानून की आड़ में कई बार लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठा लेते हैं और इसी फायदा उठाने को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। हम यहाँ इस वीडियो के जरिए ये जानेंगे कि किस जगह ये आरक्षण कोटा कितना है और उसके पैरामीटर्स आखिर हैं क्या, और पूजा खेड़कर को आखिर इसका फायदा मिला तो कैसे मिला। सबसे पहले जानते हैं कि देश के किस प्रीमियम इंस्टीट्यूट में कितना आरक्षण है, उसके बाद ये भेद खुल पाएगा कि किस जगह पे लोगों ने किस तरीके से फायदा इसका उठाया है। आईआईटी में 4%, एनआईटी में 5%, आईआईएम में 5%, यूपीएससी में ये है 4%। अब यूपीएससी में कितना पीडब्ल्यूडी कोटा है वो भी इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपीएससी में कितना पीडब्ल्यू कोटा, यूपीएससी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल रिक्तियों में यानी कुल खाली पदों में 4% जगह आरक्षित रखता है, लेकिन इसमें कई बार ऐसे लोग इस कोटे से सेलेक्ट हो गए हैं जिन्हें लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने गलत तरीके से इस कोटे का फायदा उठाया है। इसके लिए एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है जिसे तय पदाधिकारी वेरीफाइड कर सकता है। अगर इसमें कोई भी 40% या फिर उससे अधिक विकलांगता वाला उम्मीदवार है तो वो यूपीएससी में पीडब्ल्यूडी कोटा का पात्र माना जाता है और इसके तहत उसको 4% जो छूट मिलती है उसके दायरे में आकर इसे आगे प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। अब इसमें किस तरीके की विकलांगता पर विचार होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए 3 प्रकार की विकलांगताओं पर विचार किया जाता है। ये 3 प्रकार क्या है ये इस वक्त मैं आपको बताती हूँ। अंधापन और कम दृष्टि, बहरा और कम सुनाई देना 9 रिक्तियाँ इसके लिए, सेरेब्रल पल्सी और इसके लिए ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता 8 रिक्तियाँ इसके लिए, बहुविकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए भी 4 रिक्तियाँ आरक्षित होती है, यानी इस अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटों की संख्या है। हालांकि इन रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। अब इसके लिए क्या प्रावधान है वो भी इस वक्त हम बताने जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बवाल किस बात को लेकर है वो भी इस वक्त जानना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र उनके तरफ से सर्टिफाइड अपलोड करना जरूरी होता है और ये अपलोड करने के बाद आपको इसका फायदा मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत यूपीएससी के लिए अंतिम चयन सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में कैसे इसका फायदा पहुंचता है वो बताते हैं। इंटरव्यू में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होता है, यानी एक मेडिकल सर्टिफिकेट तो है ही है, इसके अलावा
प्रदर्शन पर भी आधारित होता है कि आपने इंटरव्यू में सारे सवालों का जवाब कैसे दिया है। ज्यादा समय मिलता है और उम्र में भी छूट दी जाती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलता है। ठीक सुना आपने, सामान्य को जितना समय मिलेगा, विकलांग को उससे एक घंटा ज्यादा समय। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाती है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा के लिए 9 प्रयास तक वो कर सकते हैं और इसकी भी अनुमति है। इसके अलावा एससी एसटी उम्मीदवारों को छोड़कर जिनके पास असीमित संख्या में प्रयास है, ये एक अलग ही एंगल है, ये एक अलग ही पहलू है। अब ये तो हमने बात की किसकी, यूपीएससी की, लेकिन आईआईटी की भी बात करेंगे। आईआईटी में कितनी सीटें हैं? भारत में आईआईटी और अन्य प्रीमियम इंजीनियरिंग संस्थानों में विकलांगता कोटा कुल सीटों का 5% है, जिसमें जेईई के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी में पीडब्ल्यूडी कोटा की 50% सीटें गृह राज्य के उम्मीदवारों के लिए और 50% अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। ये हम एनआईटी के लिए बता रहे हैं। ट्रिपल आईटी यानी आईआईआईटी और जीएफटीआई में प्रवेश अखिल भारतीय कोटा, गृह राज्य कोटा और अन्य राज्य कोटा पर आधारित होते हैं, और जिसमें क्या कदम उठाए जाते हैं वो बताती हूँ। जिसमें 5% पीडब्ल्यूडी आरक्षण शामिल है। राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए जो प्रावधान है वो भी आपको जानना जरूरी है। इनके लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक होता है, यानी वो जिस राज्य के स्टूडेंट हैं वहाँ की सरकारी जो तय करती है वही बातें इन पर लागू होती है। जेईई परीक्षा में क्या लाभ मिलता है? जेईई मेन परीक्षा में प्रत्येक पेपर के लिए दिव्यांग को क्या फायदा पहुंचता है वो हम आपको बताते हैं। उम्मीदवारों को एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलता है, सामान्य स्टूडेंट के मुकाबले इनको एक घंटे की छूट होती है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता भी मिलती है, यानी हर जगह पे इनके लिए सुविधा है। और यही वजह है कि बवाल मचा हुआ है और ऐसे लोगों की पहचान हो रही है कि दिव्यांग ना होने के बावजूद भी वो कैसे फायदा उठा रहे हैं। आईआईएम में क्या होता है? भारतीय प्रबंधन संस्थानों आईआईएम में विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी के लिए अपनी 3% सीटें पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखते हैं। इसके अलावा उनके प्रमाण पत्र सक्षम हुए तय प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए, ये भी कदम उठाना बहुत जरूरी है। और इसमें 40% या फिर अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवार इस कोटा के पात्र होते हैं, यानी इन्हें ये फायदा पहुँचता है। अब हम आपको बताएंगे तीन तरह की विकलांगता पर कैसे विचार किया जा रहा है और इसको कैसे कैटेगरी में रखा गया है। अंधापन और कम दृष्टि, बहरा और सुनने में कठिनता, इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता, ये वो कैटेगरी है जिसमें आईआईएम, आईआईटी, आईआईआईटी और इसके अलावा यूपीएससी, इन सभी में छूट मिलती है। ये इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि क्यों एक अधिकारी के मामले में पूरा बवाल मचा हुआ है।